अफसरों और चाकरों से घिरी हुक्का पीती एक महिला की ये तस्वीर उन चंद लघु चित्रों में से एक है जो बेगम समरू की दिलचस्प कहानी बयां करती है, जिसने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी। एक नाचने वाली लड़की जिसने आगे चलकर सत्ता के खेल में अपना नाम बनाया, बेगम समरू ने अपने राज को सत्ता के उस बदलते दौर में कायम रखा जब मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य जमा रही थी। जब वो हम पन्ना खोलते हैं, 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है, जो शासन है वो तितर बितर हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा अपना शासन लगाना चाहते हैं, कहीं पर मराठा, कहीं पर सिख, कहीं पर जाट, कहीं पर नवाब तो कहीं पर निजाम। इस उथल पुथल की रूपरेखा में हम कौन से बात कर रहे हैं? मध्य 18वीं शताब्दी की। कोई कल्पना कर सकता है कि एक महिला, हम वो एक इतिहास का हम चौकोर पन्ना देख रहे हैं जहाँ पर सती भी होती है, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, पर्दा होता है, और वहाँ पर एक लड़की जो कि बाजार में एक रकासा, एक नृत्यांगना है, वो उठती है, मगर उसकी जो शोहरत है वो आर्मी को लेकर किस तरीके से उसको अनुशासन के साथ बागडोर पकड़ती है और अलग अलग बड़े राजाओं महाराजाओं को अपनी सेना देती है, लड़ती है, शासन करती है और अपना ऐसा मुकाम छोड़ जाती है जो कि अलग अलग। आज हम लोग गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, मगर एक ऐसी शख्सियत हुई जिनका नाम बेगम समरू है, जो बेगम समरू जो हुई, कहाँ से वो फर्जना एक तवायफ की लड़की, और वो जब उनका निधन शरीर पूरा होता है, उनका इंतकाल होता है, तो एक ऐसा छाप छोड़ जाती हैं हिंदुस्तान में कि वो बेगम समरू कहलाती हैं। तो किस तरह दिल्ली के कोठों से एक जवान लड़की इतनी ताकतवर बनी जिसने मुगलिया सल्तनत की मसीहा के तौर पर भी अपना नाम बनाया? आइए जानते हैं इतिहासकार नवीना जाफा से बेगम समरू की कहानी। जब हम एक इतिहासकार के नेतृत्व देते हैं तो हम प्रमाण ढूंढते हैं, प्रमाण जो कि कभी कभी कुछ पांडुलिपियों में होता है, कुछ चित्रों में होता है, अलग अलग प्रमाण ढूंढते हैं। उसके अनुसार काफ़ी सारी किताबें मिली हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो ज़ेबूल तारीख मिली है, जो कि जॉन लाल के एक किताब में हमको एक द्वितीय प्रमाणिक तौर पे आती है, क्योंकि जॉन लाल ने एक उनके चित्र है गिल्डेड फ्रेम यानी सुनहरे तस्वीर के उसमें चौकोर में, क्योंकि जो बेगम समरू थी वो पेंटिंग काफ़ी यानी चित्रों की काफ़ी बड़ी कलेक्टर थी, तो उसके अनुसार जॉन लाल ने दुआब यानी गंगा जमुना में जब वो वहाँ पर पोस्टेड थे, तो ये एक प्रमाण हमको मिलता है प्राइमरी सोर्स जो कहते हैं ज़ेबुल ओ तारीख मुंशी गोकुल चंद का लिखा हुआ, जो कि हमें प्रमाण देता है कि ज़ेबुनिसा कहाँ से उनका उनकी सीढ़ी जीवन की शुरू हुई। उसमें ये है कि एक अफगान, एक बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे उनके पिता और पश्चिमी एशिया से आए हुए थे। ज़ेबुनिसा की जो माँ थी वो दूसरी बेगम थी उनकी, वालिद का उनका इंतकाल हो गया, उनके जो एक और बीवी थी उनने काफ़ी तंग करा उन ज़ेबुनिसा की माँ को, ये प्रमाण कहते हैं, और वो अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली आ गए। एक औरत अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाए, जा पहुँची शाहजहानाबाद के एक कोठे में, और वहाँ पर उन्हें रक्स मौसीकी वगैरह करना शुरू करा, और ये बच्ची धीरे धीरे रक्स मौसीकी उन्होंने सीखी और रकासा के तौर पे वो बड़ी होती गई।
खूबसूरत मानी जाती होंगी। नाम भी था ज़ेबुनिसा फरजाना। 1750 के दशक की शुरुआत में जन्मी फरजाना उस दौर में पैदा हुई थी जब छठे मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद मराठा और जाट जैसे क्षेत्रीय ताकतें आगे आ रही थीं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे शासन पर अपना काबू कायम कर रही थी। क्षेत्रीय ताकतों पर नजर रखकर अपने राज्य की स्थिरता कायम रखने के लिए मुगलों ने कई यूरोपीय यायावरों को अपनी फौज में शामिल किया, जिनमें से एक थे जर्मन अफसर वॉल्टर रेनहार्ट। मुगलों को अपनी जंगों से भरपूर योगदान देकर वो खूब मशहूर हुए। फरजाना उनकी बेगम थी और उनको बेगम समरूह बनाने में वॉल्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मर्सनरी कौन होते हैं और उनका बहुत बड़ा महत्व है हमारे इतिहास में, खास तौर से 17-18 शताब्दी में, जबकि हमारे यहाँ कंपनी रूल चल रहा था 1757 से लेकर 1857 में। मर्सनरी यानी खरीदारी, खरीदार कोई भी उनके वो एक सिपाही होते हैं और उनको कोई भी खरीद कर अपनी पलटन में दाखिला करके और वो उनके हो जाते हैं और उनकी तरफ से लड़ते हैं। इस दौर में काफ़ी अनोखी चीज़ हुई, अलग अलग यूरोपीय देश से हमारे पास ये खरीद कर सिपाही जो लड़ रहे थे वो यूरोपियन थे, यूरोप से आए थे, कहीं फ्रेंच, कहीं जर्मन, पोर्तुगीज, डच, बहुत तरीके के ऑस्ट्रियन, और उसमें से एक जो थे जो काफी जगह उनने लड़ाई करी थी जाटों के साथ, सिखों के साथ, और उनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। ये जरूर है उनके खून में जर्मन खून था, ये मालूम नहीं कि वो ऑस्ट्रिया के थे या जर्मनी के थे, और उनका नाम था वॉल्टर राइनहार्ट। घुंघरू की झंझनाहट, पायल की झंझनाहट सुनते हुए, मधुर आवाज सुनते हुए राइनहार्ट पहुंचे फरजना की माँ की तवायफ के कोठे पे। उनकी नजर पड़ी फरजना पर और फरजना उनकी बेगम बन गई, बाई बन गई। फरजना और उनका वो उन्होंने विवाह नहीं किया, मगर वो क्योंकि उनकी वो शादीशुदा थी और ये इनके साथ रही, और उनका नाम सौम्र इसलिए पड़ा, सौम्र मतलब मायूस, क्योंकि वो बहुत मायूस रहते थे, तो वॉल्टर राइनहार्ट सौम्र, और इसी से सौम्र से हो गया समर, क्योंकि जो हम लोगों की एक कथा कहने वाली जो एक रिवायत है हिंदुस्तान में, वो उनके साथ लग गई और वो सच में एक भारतीय नजर से वो हो गए सौम्र। वॉल्टर रेनहार्ट से सहायता और प्रशिक्षण लेकर फरजाना ने अपनी एक मुख्य जगह बनाई, खासकर मुगलों के बीच। रेनहार्ट के निधन के बाद बेगम समरू ने ईसाई धर्म अपनाया और आगे चलकर 4000 सिपाहियों की कमान अपने हाथों में संभाली और सरधाना पर राज किया। उत्तर प्रदेश में मेरठ से करीब 23 किलोमीटर दूर मुगलिया सल्तनत के प्रमुख गढ़ों में से एक सरधना को मुगलों ने वॉल्टर रेनहार्ट को जागीर के तौर पर दिया था। उनके निधन के बाद ये जागीर बेगम समरू को मिली और उन्होंने 5 दशकों तक इस पर राज किया। जब वो राइनहार्ट के साथ वो जुड़ी तो इनकी ये जो जोड़ी थी ये काफी जोरदार थी। इन लोगों ने राइनहार्ट के पास अपनी पलटन थी, और जो मैं तो कहूंगी कि जो राइनहार्ट के साथ जो इनका साथ हुआ एक तरीके से उनके लिए एक लेबोरेटरी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से सेनापति, घोड़सवारी वगैरह वगैरह कैसे लड़ना है, कैसे सेना पलटन को संभालना है, ये एक तरीके से ट्रेनिंग हुई। उसके बाद राइनहार्ट का इंतकाल हुआ और हमारी जो फरजना थी 3 साल के अंदर उन्होंने सबसे बड़ा एक औजार लिया, वो ईसाई बन गई। ये बहुत शातिरता का एक, मैं समझती हूँ एक शतरंज का एक बहुत बहुत पेचीदा मोड़ था, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काफी वफादारी, 2-3 लोगों के साथ उनका उनकी वफादारी रही, एक तो मराठा सिंधियों के साथ और उनके और दूसरा शाह आलम। बल्कि राइनहार्ट के ज़माने में ही ये जो जोड़ी थी ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब उनकी शोहरत इतनी थी कि बड़ी बड़ी पार्टियां, बेगम समरू की उनके पास इतने सारा एक
पार्टी करने का एक रवैया था जो कि दिल्ली और सरधना में होते थे। अलग अलग लोग आ रहे हैं, बॉलरूम डांसिंग हो रही है और मामलों में वो हो रही है। जब राइनहार्ट गुजर गए तो और वो ईसाई बन गई। ईसाई बनने से उनका एक अजीब तरीका था, इसमें बहस होती है कि वो सच में दिल से ईसाई बनी या नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पर्दे के साथ उन्होंने शासन किया। वो हुक्का पीती थी और उन्होंने तो सबसे बड़ा एक गिरजाघर बनाया वहां पर, जहां पर सौम्र आगरा में। उसके बाद उनको एक रियासत मिली जो कि शाह आलम के बेटे ने उनको दिलवाई थी, और उस वक्त शाह आलम ने उनको अपना बहन माना और उनका नाम रखा ज़ेबुनिसा। जब वो ईसाई बनी उनका नाम रखा गया जोआना, और जब वो सरधना में उनको मिला, एक रियासत मिली, उसमें एक उन्होंने गिरजाघर बनाया। राइनहार्ट की बड़ी पैनी नज़र थी, और उसमें जैसे ही उन्हें देखा उनको ट्रेन करा कि किस तरीके से आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। तो जहाँ जहाँ पर शाह आलम कमज़ोर पड़ रहे थे ये अपनी पलटन दे देते थे, और इसकी वजह से इनका बड़ी अहमियत बन गई। और एक छोटा सा किस्सा हम बताएं कि जैसे अगर आप दिल्ली आइए तो एक बड़ी मशहूर जगह है 30,000। वहाँ पर बगावत हुई थी सिखों की, आज किसानों की, और भगेल करके एक थे और 30,000 थे। उसके लिए बेगम समरू ने अपनी पलटन भेजी। तो जब आप इस तरीके से आप एक अपनी उदारता दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी रणनीति होती है कि मैं शतरंज का मोहरा एक दूं तो मुझे चार मिले, और वो कामयाब हुई और उन्होंने उनका उनके उनकी तसल्ली हुई। और तभी जब राइनहार्ट का इंतकाल हो गया, शाह आलम ने खुशी से उनको सरधना की रियासत दी। मुगलों से ज्यादा उन्होंने जो शतरंज खेली वो खेली कि वो उन्होंने जो ईसाई बनकर उन्होंने कंपनी वालों को जीता, सबसे बड़ी बात हुई। 1804 और 3 और 4 और 5 दिल्ली के लिए बहुत बड़ी वो एक थी। उससे पहले हाँ मैं एक चीज जरूर बताऊंगी, रोहिला एक कौम है जो कि रोहिलखंड की है, उसकी उसने भी बगावत की थी और उन्होंने अपनी पलटन शाह आलम को दी थी, न केवल 30,000 के लिए मगर रोहिलाओं को काबू में करने के लिए। तो इसीलिए वो उन्होंने इस तरीके से पलटन देते देते उन्होंने वो उनको जीत लिया, उनका जो विश्वास है वो जीत लिया ऐसे ही कंपनी वालों के लिए। मगर कंपनी वालों के लिए जो हमारी बेगम समरू हैं उनकी हम तुलना कर लेते हैं और लोगों के साथ जो वहाँ पर शतरंज खेल रहे थे अपनी पलटन देकर, जैसे एक स्किनर साहब हैं, वो उन्होंने भी अपनी जो पीले घोड़े येलो हॉर्सेस करके उनकी पलटन का नाम था वो भी देते थे। ऐसे करके दो चार और थे जो छोटे छोटे हिंदुस्तानी और विदेशी उसमें वो लोग अपना एक मुकाम बनाया करते थे। इस दौर में जो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपना उन्होंने एक समझौता कर लिया कंपनी वालों से 1805 में, और एक तरीके से कंपनी वालों के साथ वो उनके जैसे कहते हैं फ्यूडल प्रोविंस हो गई। और जब उनका प्रोटेक्शन हो गया तो जो बाद में 1857 में बहुत सारे राज्य ले लिए थे कंपनियों ने अपने अंदर, इनके साथ वो नहीं हो पाया क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने दूरदशा दिखाई, मतलब दूरदृष्टि के तौर से उन्होंने समझौता कंपनी वालों से कर लिया। क्योंकि वो ईसाई थी तो एक थोड़ी सी दबने भी लगे, क्योंकि उनका वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे कलकत्ता से एक पादरी थे उनका नाम हेबर था, वो आए थे इनके साथ पास रहने के लिए और कहने लगे ये कहाँ है ईसाई, ये तो मुसलमान है, क्योंकि हिजाब पहनती थी और हुक्का पीती थी और जो भी तौर तरीके थे वो मुसलमान तरीके से वो करती थी, हालांकि उन्होंने गिरजाघर बनाया। मगर एक बार जब कंपनी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया
तो एक बहुत मजेदार बात हुई, वो बहुत सुकून में रहने लगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद सिंधिया तो गुजर गए थे जो उनके सरपस्त थे, शाह आलम और इन लोगों का भी वो गुजर गए थे और उठक बैठक हो रही थी मुगलों के राजाओं में, तो इन्होंने अपने आप को सिक्योर और सुरक्षित कर लिया। उसके बाद इत्मीनान आ गया और उसके बाद जो उन्होंने अपनी नजर फेंकी उद्धार के लिए, सरधना के उद्धार के लिए, और इसमें अलग अलग चीजें इन्होंने करी। उसमें अपने जो खेती बाड़ी में है उनकी जो कर का सिस्टम है, यानी टैक्सेस का, रेवेन्यू का सिस्टम है, जो कि कुछ कुछ वो, और उन्होंने प्रॉमिस करा था ब्रिटिशर्स को कि जब भी उनको ज़रूरत होगी उनको पलटन देंगी, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी। और बार बार इन्होंने अलग अलग जगह गिरजाघर बनाए मेरठ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू करी जो मिशनरी में, यानी कि एक करके चेंबलिन आदमी था, एक पादरी थे, उनको हरिद्वार भेजा ईसाइयों का लेक्चर करवाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी। भारतीय इतिहास में बेगम समरू ने अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई, जिसकी विरासत आज भी कायम है। उनकी ताकत और उनके प्रभाव की छाप आपको मेरठ के सरधाना, गुरुग्राम और दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में इमारतों के रूप में आज भी मिलेंगी। सरधाना में जहाँ उनकी ताकत का विस्तार हुआ, आज भी आपको एक विशाल गिरजाघर और एक महल मिलेगा। बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ ग्रेशस के नाम से मशहूर ये चर्च, जिसका निर्माण उन्होंने 1820 के दशक में किया, उत्तर भारत के सबसे विशाल गिरजाघरों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस महल में वो रहती थी वो आज एक शिक्षण संस्थान है। सरधाना से 126 किलोमीटर दूर आज के प्रौद्योगिकी के गढ़ कहे जाने वाले गुरुग्राम में भी आपको उनकी छाप देखने को मिलेगी। शहर में मौजूद झारसा बादशाहपुर इलाके में कभी उनका राज चलता था। गुरुग्राम और झारसा के बीच बेगम समरू का महल एक जमाने में गुरुग्राम की शानदार इमारत हुआ करती थी। शहर में आपको एक और स्मारक भी मिलेगी जो उन्होंने अपने एक वफादार सिपाही की याद में बनवाया था। मगर आप दिल्ली में चांदनी चौक की गलियों में जाएंगे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक और महल ऐसा है जो बेगम समरू के ताकत की एक मिसाल थी। ये है भागीरथ पैलेस, जो आज इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए मशहूर है। ये यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ पर कभी बेगम की महफिलें सजती थी। कहा जाता है कि ये जमीन, जो मुगलों के सत्ता केंद्र लाल किला की दीवारों के करीब थी, बादशाह अकबर शाह ने बेगम को तोहफे के तौर पर दी थी। उसके विशाल ग्रीक स्तंभ और आकर्षक वास्तुकला में इसके भूले हुए इतिहास की झलक हमको दिखती है। इस महल ने 1857 के गदर के दौरान भी एक भूमिका निभाई, जब ये दिल्ली लंदन बैंक की इमारत हुआ करती थी और बागी सिपाहियों ने इसके मैनेजर थॉमस बेरेस्फोर्ड को मार डाला था। आज इस महल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है, मगर सरधाना के बेगम समरू की असली विरासत आज भी जिंदा है। ये जो इन्होंने जो गिरजाघर सरधाना का बनाया, ये उसी दौरान बनाया है, और ये 1962 यानी 1962 में वहाँ के जो इटली के पोप हैं, मतलब जो बड़े भारी, जो सबसे बड़े ईसाइयों के पादरी माने जाते हैं, उसको उन्होंने ऊंचा दर्जा करके माइनर बेसिलिका करा, मतलब, और इतना जबरदस्त उसमें उन्होंने कारीगरी करी। एक इटालियन वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे एंटनी रेगिल हिलमी के करके, उनको उन्होंने बुलाया और उनसे प्लान करवाया, और साथ साथ उन्होंने एक एडम ताबलोनी करके थे, और वो शिल्पी थे, उनसे उन्होंने पूरा प्लान बनवाया और वहाँ पर बना। और जब इनका इंतकाल हुआ, और काफ़ी बुजुर्ग होके मरी हैं, इनका जो कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1753 में हुआ था, और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1836, और काफ़ी बड़ी जब हो गया तो ये जो एडम तादलोनी थे उनकी कब्र जो अंदर है गिरजाघर के, उन्होंने वो बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने दो महल
सरधना में और बनाए एक महल, बहुत बाद में एक ही साल रह पाए। एक उनका पुराना महल है जो कि आज ईसाइयों का स्कूल भी है, पादरियों लोगों का। और तो और अगर गुड़गांव जाइए तो वहाँ पर एक मेमोरियल है, एक उनके सेना के, सेना में सिपाही थे जिनीन एथनी करके, और उनके ऊपर एक उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पे उन्होंने बनाया। और बाकी किंवदंती है कि उन्होंने घर बनाया। और ये जो ज़मीन है गुड़गांव के पास, ये झरसा और बल्लभगढ़ के बीच में है। और ये जो झरसा है ये काफ़ी इसमें विवाद है कि इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई नहीं बनाई, मगर मज़ेदार बात ये है कि उस ज़मीन पे भी एक विवाद हुआ, क्योंकि राइनहार्ट को ये ज़मीन मिली थी एक इनाम के तौर पे, उन्होंने लड़ाई करी थी जाटों के लिए, तो इनको एक इनाम के लिए मिली थी, तो उसके लिए भी विवाद है। और जब इसके इनमें बहुत सारी अपनी रकम बिल्डिंग्स में, पेंटिंग्स में, और साथ साथ लोगों के लिए अलग अलग सामाजिक तौर पे इन्होंने काम करा, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सब के लिए, और औरतों के लिए, खासतौर से विधवाओं के लिए और औरतों के लिए। देखिए हमारा जो, जब हम भारत वर्ष की बात करते हैं तो सबसे ताना बाना जो उसकी विविधता है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम गंगा जमुना जैसी एक अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू का ये ताना बाना है, मगर और तरीके के भी उसमें ताने बाने होते हैं। और एक जो ताना बाना है वो ईसाई और मुसलमानों का भी ताना बाना है, तो सरधना एक उसका प्रतीक है। 1960 के आसपास एक मूर्ति थी जो कि वर्जिन मैरी यानी कि ईसा मसीह की माँ की, वहाँ इटली से लाई गई लेडी ऑफ ग्रेस, और लोग वहाँ पर आने लगे और उनसे दुआ मांगने लगे। और जब दुआ मांगने लगे तो और अपनी मन्नतें मांगने लगे, और मन्नतें मांगने लगे, हमारे यहाँ तो यही होता है भाई, अगर कोई मूर्ति पे जाए और एक कुछ चढ़ावा कर ले और वो मूर्ति के जाने के बाद इत्तेफाक से कुछ पूरा हो जाए तो बाप रे बाप, उसका तो ब्रांड ही बन जाता है। ऐसे ही वो लेडी ऑफ ग्रेस का ब्रांड बन गया कि वो जो आप मांगिए सो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और अब तो वहां पर एक मेला ईसाई और मुसलमानों का लगता है जो कि नवंबर के आसपास होता है, और खूब जश्न होते हैं, अलग अलग कुरान शरीफ से लेकर बाइबल भी मिलती है और क्रॉस के साथ साथ वो कुछ तावीज़ भी मिलते हैं। यही तो है जो हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त वो है। बेगम समरू को ये ज़रूर मालूम था कि जब उनका इंतकाल हो जाएगा तो उनकी जो विरासत है, रियासत है, वो सब अंग्रेज ले लेंगे, और वो ही हुआ। और उनका एक, उनके बेटे थे सौम्र के, पहली बीबी से उनका इंतकाल हो गया था जफर साहब का, और उसके बाद उनके पर पोते ग्रैंड नेव्यू का एक उन्होंने ऑर्टिकोनी सौम्र, और एक उनकी फैमिली जिन्होंने कहा कि हम इनकी रियासत लेंगे, उसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ, ज़्यादातर जब्त हो गई। और जैसे ही ये गुजरी हैं तो ये जब्त हो गई। बहुत दिनों के बाद एक ऑक्शन हुआ कलकत्ता में, और जैसे हिंदुओं में अखाड़े होते हैं, मुसलमान के सूफियों संतों में अलग अलग परंपराएं, घराने होते हैं, जैसे चिश्ती है, नक्शबंद है वगैरह वगैरह, ऐसे ही जो इनका शासक तरीका है ईसाइयों का, उसको डायोसी करते कहते हैं। और आगरा की डायोसी के अंदर ही सरधना का चर्च गिरजाघर आता है। जब उनके जो गिरजाघर नहीं, जो उनके जो वहाँ पर महल हैं और एस्टेट है, यानी कि बड़े बड़े खेत हैं, उनको उनका नीलामी हुई, उस नीलामी में डायोसी ने वापस लिया और उसको वापस वो अपने शासन में लेकर आए, जो ईसाई पादरी लोग हैं। और सरधना की वो लेगेसी है, इन्होंने जो पेंशन छोड़ी थी खास तौर से वहाँ के विधवाओं के लिए, वो आज भी चलती है। और पादरियों का जो छोटी सी पेंशन है और छोटे छोटे और भी खर्चे होते हैं, वो बेगम समरू के ही
प्लानिंग की, अर्थ व्यवस्था की वजह से चलते हैं। तो ये कमाल की औरत है। बेगम समरू की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये उस काल और उस औरत की महत्वाकांक्षा की निशानी है जिसने हर मुकाबले का डटकर सामना किया और इतिहास में अपना नाम बनाया।